तो एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, वो ये था कि इस गाड़ी में क्या कमियां हैं जिनकी वजह से एक परफेक्ट कार होते हुए भी हमें कभी ना कभी वो कमियां फील होती है। तो मैंने उसके प्रॉपर वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लिंक आई बटन में ऊपर है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन कमियां ही नहीं, मैंने शुरू में उस वीडियो में ऐसा बोला था कि इस गाड़ी में खूबियां भी नहीं कमियां हैं। तो ये वीडियो कुछ इस तरह से चालू हुआ कि इस गाड़ी में खूबियां इतनी हैं और कमियां जो इतनी सी है, यूं मान लो आप, सीधी सी बात है। तो अगर बात करें इसकी खूबियों की, तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर गाड़ी मार्केट में नहीं है। हाँ, ये मेरा मानना है, और स्पेशली जो सिटी राइडर्स हैं उनके लिए तो इससे बेटर ऑप्शन मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूँ कि कोई है ही नहीं इस प्राइस रेंज में पर्टिकुलरली। तो इसलिए मैं इसको परफेक्ट कार भी बोलता हूँ, ये हुंडई की वन ऑफ द परफेक्ट कार है जो मुझे लगती है। आप लोगों का व्यू मेरे से डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने व्यू हैं, अपने अपने विचार हैं। हम इस गाड़ी को चला रहे हैं इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि क्या इसमें कमियाँ हैं, क्या इसमें खूबियाँ हैं। तो चलो, कमियों की बात पिछले वीडियो में कर ली थी हमने, तो इस वीडियो में जब हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी खूबियों के बारे में। इस गाड़ी में वो सब खूबियां हैं जो एक रोजमर्रा गाड़ी चलाने वाले कम्यूटर के लिए होनी चाहिए, जैसे कि हो गया परफेक्ट सस्पेंशन, हो गया स्टेयरिंग, हो गया और भी छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हीं सब चीजों की डिटेल में आइए बात करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो मुझे सबसे ज्यादा इस गाड़ी की भाती है वो है इसकी बिल्ट। या अब बिल्ट से यहाँ मेरा मतलब है केवल आउटर जो इसकी शीट वगैरह है, कंपेरिजन टू अदर कार्स, टाटा वगैरह को छोड़ दो, नहीं तो मारुति से कंपेयर करो तो 100 गुना अच्छी है इसकी। ये जो प्लास्टिक, जो क्या बोलते हैं, मेटल शीट है, वो बहुत स्ट्रांग है, कोई डाउट नहीं है इसमें। स्क्रैच भी, स्क्रैच लगते हैं तो अदर कार्स की थोड़ी सी सिमट जाती है, लेकिन इसमें स्क्रैच ही बनता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। लेकिन ओवरऑल बहुत तगड़ी इसकी ये बाहर की आउटर शेल है। अगली जो जबरदस्त चीज है इस गाड़ी के बारे में वो है इसका इंजन। i20 में भी सेम इंजन आता है, लेकिन i20 चला के जब इसको चलाओगे ना, ये आपको रॉकेट लगेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसका इंजन है 1.2 लीटर का, जो कि 80-85 के आसपास भी की पावर प्रोड्यूस करता है। यह इंजन इस साइज के लिए जबरदस्त है, जबरदस्त। मैं तो इसको कहूंगा कि हाँ, बलेनो को चला के मैं जब इसको चलाता हूँ तो मुझे ये रॉकेट लगती है एक्चुअली। हालांकि बलेनो का इंजन भी काफी पेपी है। तो इंजन बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। परफेक्ट पावर है इस साइज के लिए, परफेक्ट से भी ज्यादा पावर है मैं कहूँ। उसके बाद में नॉइज इंजन की पता ही नहीं चलता बिल्कुल। तो घुसते ही सबसे पहले जो चीज मुझे इंप्रेस करती है इस गाड़ी में वो है इसका इंटीरियर। लुक एट द इंटीरियर, प्लास्टिक क्वालिटी जबरदस्त, कहीं नहीं मिलेगी आपको ऐसी प्लास्टिक क्वालिटी। डुअल टोन वाला इंटीरियर है और बहुत शानदार प्लास्टिक क्वालिटी है इस प्राइस रेंज में। तो अगली जो चीजें हैं जिनकी हमें बात करनी है, स्पेशली जो सस्पेंशन और स्टीयरिंग, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसका सस्पेंशन मतलब स्टिफ नहीं है, बहुत लूज है, हाईवे पे प्रॉब्लम करता है। स्टीयरिंग के बारे में मैंने ऐसे ही कुछ बोला था, बिल्कुल हाईवे के लिए वो चीजें आज भी मैं वहीं कायम हूँ। लेकिन बात करें अगर सिटी में, सिटी में जो सस्पेंशन है ना, बेड पेच रोड हो या फिर भाई, मक्खन है, मक्खन जबरदस्त। इतना बढ़िया सस्पेंशन है कि हम कंपेयर करते हैं एक्चुअली डेली। बलेनो का सस्पेंशन सब जानते हैं, हार्ड सस्पेंशन है, लेकिन इसमें जब आते हैं तो अलग ही फील आती है। तो सस्पेंशन जबरदस्त है, स्पेशली सिटी के लिए परफेक्ट सस्पेंशन है। उसके बाद हम बात करें स्टेयरिंग की, तो सिटी के लिए परफेक्ट स्टेयरिंग है। मतलब हुंडई की वैसे भी उंगली से घूम जाती है, तो उंगली से घूम जाती है, फटाक से सेंटर में आ जाती है वापस से, मतलब ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंग लगा रखी हो अंदर, फट से सेंटर में आ जाती है। तो वो चीज़ें आपको पकड़ के घुमानी नहीं पड़ती। दूसरी चीज जो स्टेयरिंग की है, वो पार्किंग वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है फटाफट घुमाने वाने, वहाँ परफेक्ट है। ट्रैफिक में इधर उधर थोड़ा बहुत मूव करने के लिए परफेक्ट है। तो स्टेयरिंग और सस्पेंशन सीटें के लिए परफेक्ट है। तो अगली जो चीज है इसकी एयरीनेस, मतलब खिड़कियों की साइज देखो आप, खिड़कियों की साइज पीछे अच्छी है, आगे भी अच्छी है, और ये जो एरिया है वो भी अच्छा है। तो आपके लिए एक तो ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा नहीं बनता इसमें, और दूसरी बात आपको जो जो कुप्पे में बैठने वाली फीलिंग आती है ना कि गड्ढे में बैठ गए, वो बिल्कुल नहीं आएगी इस गाड़ी में। आपको बिल्कुल हवा हवा ही लगेगी ये गाड़ी। तो उस हिसाब से भी मुझे काफी अच्छी लगती है गाड़ी, और हेडरूम इसमें पर्याप्त है।
तो फाइनली ठंडा हो गया मैं थोड़ी देर गाड़ी चला के, बहुत गर्मी थी। तो मैं बात कर रहा था कि हेड स्पेस बहुत अच्छा है और पीछे भी हेड में किसी को प्रॉब्लम आती नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है इस गाड़ी के बारे में वो है इसका क्या बोलते हैं, जो नॉइज इंसुलेशन है। नॉइज इंसुलेशन होंडे की गाड़ियों का वैसे भी ज़बरदस्त होता है और इसका भी अल्टीमेट है। मतलब इस गाड़ी में बैठ के आप किसी और कंपनी की गाड़ी में बैठो, आपको लग जाएगा पता कि कैसा इंसुलेशन होता है रियल में। तो ज़बरदस्त नॉइज इंसुलेशन है। आगे की अगर हम बात करें तो प्राइस, सबसे पहले कोई भी बायर गाड़ी खरीदता है तो प्राइस के बारे में ज़रूर सोचता है कि कितनी महंगी पड़ेगी, कितनी महंगी पड़ेगी, कितनी सस्ती पड़ेगी, वो सब चीज़ें। तो भाई 6,30,000 रुपये में हमने ये गाड़ी ली थी, स्पोर्ट ट्रिम है ये, और स्पेशली इसका जो स्पोर्ट ट्रिम है वो यार अल्टीमेट वैल्यू फॉर मनी है। अच्छा इंजन, अच्छा इंटीरियर, अच्छा लगभग लगभग सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 6,30,000 रुपये में ली थी ये गाड़ी। तो ऐसी पावरफुल, ऐसी रिफाइंड गाड़ी आपको 6,40,000 रुपये में, अगर इतने सारे फीचर्स, सब कुछ है इसमें, एंड्रॉयड ऑटो है, ABS है, सब कुछ है, तो उस सबके साथ में मिल जाती है, रेयर ऐसी वेंट है, तो क्या बुराई है, बहुत बढ़िया गाड़ी है 6,00,000 रुपये में, तो परफेक्ट पैकेज है मेरे हिसाब से। तो ये प्राइस के बाद में अगली चीज की बात कर लेते हैं जो है खर्चा। खर्चा जो कि मेंटेनेंस, वो कितना आता है। मेंटेनेंस इस गाड़ी का मिनिमम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इसकी क्या बोलते हैं पेड सर्विस तो नहीं करवाई है, लेकिन एक और आई10 थी, आप लोगों ने पहले भी अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा एक और आई10 थी हमारे पास। तो उस आई10 में थर्ड जो सर्विस हुई थी वो 1470 रुपये की करवाई थी, तो उसमें 1200 रुपये आप लेबर चार्ज जोड़ दो, 1300 रुपये, तो लगभग 2600-2700 रुपये में सर्विस हो जाती है। तो खींच के अगर कुछ हल्के फुल्के पार्ट भी चेंज होते हैं किसी सर्विस में, तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये से इसकी सर्विस कभी ऊपर नहीं जाने वाली, कैसी पेड सर्विस हो मुझे लगता है, अगर आप यूज़र मैनुअल फॉलो करते हैं। बाकी आप एस्टिमेट नहीं बनवा रहे हैं और वो शोरूम वालों में या डीलरशिप वालों ने लेप दिया आपके लंबा चौड़ा पर्चा, तो उसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप यूज़र मैनुअल फॉलो कीजिए, उसके अकॉर्डिंग सर्विस करवाइए, ये गाड़ी आपकी पॉकेट पर कभी भी भारी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पसंद आती है इस गाड़ी में। तो यही सब था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो कीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आया आपके फ़ोन की घंटी बजे आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखें। तो बस नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय।